शब नाही हेले चालीछि क्रियाकर्म संपूर्ण रीतिनीति रे संपन्न हला शब सत्कार नियम मुताबक शब पोतिबा ठारु कसा खाइबा दुई काठिया बसिबा सह समस्त विधि मध्य पालन होछे। दीर्घ 24 वर्ष हेबो मा निखोज हेबा बेले पुअ देखिथिबा स्वप्न पाई यथा रीति सत्कार ओ क्रियाकर्म करा जाउछे। तबे एभली शुद्धि क्रियार कहानी देखिबाको मिलिछि भद्रक जिल्लारे। घर सामनारु उठुछि कोके कांदो पोपाळीरे हेउछि शब सत्कार, किंतु कोकेईरे शब नाही, केवल अरुआ चाउल रे तयारी होइथिबा एक पितुळा रहिछि। आखि कान हात गोड़ मध्य तयारी होइछि। आउ एही प्रतिकृतिर शब हेउछि लीलावती नायकर। घर भद्रक जिला धामनगर ब्लॉक गोविंदपुर पंचायत कोरुआ गाँव। प्राय 24 वर्ष तलु लीलावती निखोज हो सबुआड़ खोजी दुई पुओ स्वामी। प्राय 9 वर्ष तलु स्वामी आनंद चंद्र नायक देहांत हो दुई पुओ भावी माँ हुए तो जीवित हो पारंती, किंतु किछि दिन तले एक स्वप्न देखिथिले पुओ माँ को कांधरे बही मशाणी को नेउछन्ति। आउ यहाँ परे पुरी जाई मुक्ति मंडपरे पंडितंकु भेटी दुख जणाइबा परे तांकु शुद्धिक्रिया पाई उपदेश मिलिथिला। आउ यहाँ परे जथा विधि सबर प्रतिकृति को सत्कार सह शुद्धि होछन्ति परिवार ओ साही भाई। आमर जो जने भाई बो हेबे से दीर्घ 10-20 वर्ष हला 24 वर्ष हला से बाहर कुआडे निखोज हो जाइंट आजिकी आम पाइबू ना पु मैने दी पु सी भी बहुत आड़े खबर नहीं सी कौन सी मत पता पाइले तेणु आम सी जा पुरीर मुक्तिमंडप बुझे जे आम चाहूँ केमी तार गोटे क्रिया करमार केमी सदगति हम ये कारण से पूरी जाए मुक्ति मंडपर सब नियम कानून जानिक आसिले आम जो रकम भाव शब सत्कार करा जा सारापर जमी 10 दिन पालन हम आम से शब सत्कार कर सारापर आम कसा खाइलु आर्तमान मानने पालन करमिष खाद्य आल लुण ना तेल मसला विहीन खाद्य आम खाऊ आउ 10 दिन पर शुद्ध हो सारापर आम 11 दिन क्रिया करके मऊ पाई सारापर शुद्ध हम दिन सबर कर कारण हूँ सी 24 वर्ष है निखोज अच्छा सी मोर भाई बहुत हिसाब है तर पु मैंने छोट छोट होते बोली तार आउ किसी काम कर बढ़ी जबार बहुत खोजाखोजी पर किसी सन्धान पाए से पिला मैंने बढ़ी जबार से मैंने चाहिए कि माँ तर गोटे क्रिया करेंगे बोली यहाँ तो आम रही हिंदू धर्म से जाओ पूरी जाएंगे टे बुझी आस कमी कौन करी जाए मुक्ति मंडपुर बुझे जे गोटे अरुआ चाउल पितुड़ी या तार आखि पाटी सब कौड़ी करमी शब जाए से कोकेर नहीं शमशान शब संस्कार करके आस तेरे शबर प्रतिकृति को यथा विधि कोकेरे सजाई नहीं गाँ मशाणी पोती घरे दुई काठिया बसी कसा खाइबा पाई परिवार ओ बंधु को जणै दे जाइछि। आउ एबे समस्त क्रिया सह दशह ओ एकादश पाई परिवार लोक प्रस्तुत हेउछन्ति, किंतु गार वरिष्ठ माने कुहन्ति जे एमिति केबे देखि नाहन्ति, किंतु मुक्ति मंडपर पंडित ओ विद्वानक अनुमति नै शुद्धि हेउछन्ति। दशह कर्म पाई बंधु बांधवंकु खबर दिया जाइछि। एकादशी मध्य ग्रामवासी को निमंत्रण करा जाय छे। हमरो जो पोहर दिन हमरो जो सान बहु हेबे तांकर दीर्घ 24 वर्ष हेबो से घरु निखोज थिले बेले आमे बहुत खोजाखोजी परे तांको आउ पाइ नथिलु मृत खबर भी पाइलु नाही। तापरे तांकर हिंदू रीति अनुसार तांकर घरे एक शुद्धिक्रिया करिवा पई आमे तांको पुओ चिंता कले
ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପୁରୀ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କର କୋକେଇ କରି ଏକ ଚାଉଳର ଏକ ପିଠଉର ଏକ ତାଙ୍କର ପୁତୁଳା କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନର ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କଲୁ। ଆଉ ଆମେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି 10 ଦିନର ଶୁଦ୍ଧି ହେବୁ, ଆଉ 11 ଦିନର ଆମର ଭୋଜନ ଯେମିତି ଦିଆଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଆଉ ମାର୍ଜନା ହେବୁ, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ଅନୁସାରେ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପାଳନ କରୁ। ଆମର ସାନ ମା ଏବେ ଆଉ ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୋଷ ଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତା'ପରେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲାରୁ ଏମିତିକି 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା କଥା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା କାଳେ ମା ଆଉ ଫେରିବେ କି, ଏମିତିକି 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଏମିତି ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ କି ମୋ ମା ଚାଲିଯାଇଛି, ମୋ ମାଆକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ମଶାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେବ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଏବେ ନିୟମ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।